हेलो बच्चों, कुलम्स लॉ पे आईआईटी जेई में जो क्वेश्चन आते रहते हैं उसी टाइप्स पर आज हम आप लोगों को हम डिस्कस करेंगे। हम तो देखो बच्चों, किस टाइप के क्वेश्चन आईआईटी जेई में जो है सो पहले पूछे जाते थे। हम इससे पहले आपको दो न्यूमेरिकल बता दिए थे, वो भी एनसीईआरटी का था। अब कुछ हट करके कंसेप्ट दे रहे हैं, इस कंसेप्ट को समझिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो सपोज दैट यहाँ पर देखिए, तीन चार्ज दे दिए यहाँ पर, तीन चार्ज, एक ट्रेंगल है प्लस क्यू, यहाँ पे भी क्या है प्लस क्यू, यहाँ पर भी क्या है प्लस क्यू है। ये ट्रेंगल इक्विलेटरल है, इसका डिस्टेंस ए ले लीजिए, इसका डिस्टेंस ए, इसका डिस्टेंस ए, तीनों प्लस प्लस चार्ज है। अब इसका नाम ले लीजिए पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट बी, ये क्या हो जाएंगे पॉइंट सी, पॉइंट सी। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन द सी, सी पर मुझे नेट फोर्स फाइंड करना है, ऑन द सी, सी पर नेट फोर्स फाइंड करना है। देखो बच्चों, सिर्फ तो सिर्फ तब हम सी ए पर ध्यान देंगे हम, तो क्या करेंगे हम, सी पे फोर्स लग रहा है, सी पे सबसे पहले एफ सी फोर्स लग रहा है, किसके कारण, ए के कारण। तो ये भी प्लस में है, ए भी प्लस में है, तो प्लस प्लस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। समझ में आया, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कूलम्ब्स लॉ में, देख लो। सी पे एक और फोर्स लग रहा है, किसके कारण, बी के कारण, सी पे एक और फोर्स लग रहा है किसके कारण, बी के कारण। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम, यहाँ पे लिखेंगे एफ सी ड्यू टू बी, सी पे फोर्स लग रहा है किसके कारण, बी के कारण। अब देखो बच्चों, अगर ये यहाँ पर 60 डिग्री होगा ही, क्यों, क्योंकि ये ट्रेंगल जो है इक्विलेटरल ट्रेंगल है, इक्विलेटरल ट्रेंगल का एवरी एंगल कितना होता है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखो बच्चों, मुझे नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, तो नेट फोर्स जो फाइंड कीजिएगा, इसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, यही ना होगा नेट फोर्स एफ नेट। तब नेट फोर्स कैसे फाइंड करेंगे हम, तो सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे वेक्टर फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे कोई पॉइंट वेक्टर दे दिया, ये क्या हो जाएगा वेक्टर बी, इसके बीच का आपको थीटा पता था, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं तो आपको पता था आर बराबर क्या होता था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, तो यही क्या था इसका रिजल्टेंट था। तो यहाँ उसी प्रकार यहाँ पर इसको नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको एफ सी ए और एफ सी बी ये दोनों फोर्स पता रहना चाहिए, एंगल तो पता ही है 60 डिग्री। देखो बच्चों, अब हम एफ सी ए और एफ सी बी फाइंड आउट करेंगे हम, तो चलो बच्चों यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं एफ सी ए, यहाँ पे साइड में फाइंड आउट कर लेते हैं एफ सी ए, तो एफ सी ए फाइंड आउट करते हैं। तो पॉइंट एफ सी ए मतलब सी और ए, तो सी और ए पर चार्ज देखिए, ए पर चार्ज कितना प्लस क्यू है और सी पर चार्ज कितना प्लस क्यू है, तो फोर्स का फार्मूला होता है क्या होता है, के इंटू क्यू, क्यू वन इंटू क्यू टू, तो यहाँ पे भी चार्ज क्यू और यहाँ पे भी चार्ज क्यू, तो क्यू को क्यू से करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे ए स्क्वायर। कंसेप्ट क्लियर, उसी प्रकार हम क्या फाइंड आउट करेंगे एफ सी बी, एफ सी बी फाइंड आउट करेंगे एफ सी बी, तो देखो पॉइंट बी और पॉइंट सी पर ध्यान दीजिए, पॉइंट बी पर चार्ज प्लस क्यू है और पॉइंट सी पर प्लस चार्ज क्यू है, तो कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला पता है के इंटू क्या होता है क्यू वन इंटू क्यू टू अपन आर स्क्वायर, तो क्यू वन भी प्लस क्यू है और क्यू टू भी प्लस क्यू है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं के इंटू, तो क्यू वन क्यू टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस क्यू क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपन में नीचे में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखो ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल में, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं एफ सी ए इक्वल टू एफ सी बी इक्वल टू के इंटू क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लें एक्स, नहीं तो इसको एफ एम मान लो ऐसा करके। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे, तो इसके इक्वल टू क्या हम लोग मान लिए ए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों, हम लोग नेट फोर्स पर बात करते हैं, तो एफ सी ए इक्वल टू हो गया एफ, एफ सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ, तो अब नेट फोर्स बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर लिख लो एफ नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंदर, तो एफ सी ए भी एफ है और एफ सी बी एफ है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या एफ स्क्वायर इक्वल प्लस एफ स्क्वायर टू एफ इंटू एफ, यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉस, एंगल कितना लिखेंगे यहाँ पर 60 डिग्री, वन एफ स्क्वायर वहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर टू एफ स्क्वायर, एफ को एफ से करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों टू एफ स्क्वायर, कॉस 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 का ओवर रूट है, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर टू से ये टू कट गया, तो टू एफ स्क्वायर एगो एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 एफ स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा ओवर रूट एफ स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट 3 एफ, तो नेट फोर्स बराबर क्या होगा रूट 3 एफ, एफ का वैल्यू दिया है के इंटू क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं रूट 3 के इंटू क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, आप चाहे तो के का वैल्यू पुट कर दें, के का वैल्यू क्या हो जाएगा
के का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली में आपका आंसर क्या आ जाएगा, एफ नेट इक्वल टू के इंटू एफ नेट इक्वल टू रूट थ्री भी यहाँ पर दिया ना, तो रूट थ्री इंटू के इंटू क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया बच्चों, नेट फोर्स आया है। अब देखो तो आप लोगों को बताएंगे अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, ये आर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि एफ का वैल्यू जो है के इंटू क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, ए स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, ये ए स्क्वायर। इसको स्क्रीन शॉट ले ले, उसके बाद फिर से समझे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा फिर से वीडियो पीछे करके देख ले, समझ में 100% आएंगे। थोड़ा बहुत वेक्टर का रूल अगर आप लोगों को पता होगा तो, नहीं होगा तो हम क्लास 11th में वेक्टर पढ़ा दिए, उसको भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। अब इसको हम रफ कर देते हैं, इसी में थोड़ा सा चेंज करके आप लोगों को बता रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करके बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, थोड़ा सा चेंज क्या कर देते हैं, यहाँ पर है जो पॉइंट सी पे ही मुझे नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पर इस बार क्या दे दिया माइनस में। देख लो बच्चों, यहाँ पे पॉइंट सी जो है सी पे ही नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया हमें, माइनस में चार्ज दे दिए, उसमें प्लस में चार्ज था। देखो बच्चों, सी पे इस टाइम भी दो फोर्स लगता है, लेकिन ये प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस चार्ज क्या होता है, आपस में अट्रैक्शन करेंगे। देखो बच्चों, एफ सी पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पर ले लो माइनस क्यूब है, एफ सी पे फोर्स लग रहा है किसके कारण, बी के कारण, इसका डायरेक्शन यही हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन होते हैं। फिर एफ सी पे एक और फोर्स लग रहे हैं, एफ सी पे एक और फोर्स लग रहा है, एफ सी पे एक और फोर्स लग रहा है, क्या कारण, ए के कारण, यहाँ पर लिखे एफ सी है, इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इसका यही नेट फोर्स हो जाएगा। तो देखो बच्चों, अभी हम निकाले थे यहाँ पर एफ सी और एफ सी बी, क्या निकाले थे हम, एफ सी ए और एफ सी बी। तो एफ सी ए भी बराबर था के इंटू क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, एफ सी बी वही आया था, तो नेट फोर्स आंसर सेम ही आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या करते इसको हम, हाँ सही था यहाँ पर कंसेप्ट, अब क्या करते इसको हम रफ कर देते हैं। अब हम एक कंसेप्ट और नेक्स्ट बता देते हैं इसको हम, इस बार क्वेश्चन सी पे ही निकालना है, लेकिन इस फिगर को ध्यान से देखिए, ए बी सी, ठीक, यहाँ पर दिया माइनस क्यू, यहाँ पर दिया प्लस क्यू, और यहाँ पर भी क्या दे दिया, प्लस क्यू। ध्यान से देखो बच्चों, इस बार सी पे ही मुझे नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, सी पे नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, तो सी पे फोर्स लग रहा है किसके कारण, बी के कारण, तो क्या हो जाएगा, एफ सी बी। चलो ठीक है, सी पे एक और फोर्स लग रहा है, लेकिन ये फोर्स जो है एट्रैक्शन होगा, सी पे एक और फोर्स लग रहा है किसके कारण, ए के कारण। ये एट्रैक्शन क्यों हुआ, क्योंकि प्लस है या माइनस है, तो माइनस प्लस में क्या होता है, एट्रैक्ट होते हैं, ये प्लस थे या प्लस थे, तो प्लस प्लस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इस बार इसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, यही इसका इस पर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए आपको, एफ सी ए और एफ सी बी चाहिए, और इसके बीच का क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो कुछ नहीं है, डिस्टेंस दोनों का ट्रेंगल में जो है ये डिस्टेंस इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रेंगल है। तो ये क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री, ये भी हो जाएंगे 60 डिग्री, ये भी हो जाएंगे 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएंगे, 120 डिग्री। बस कंसेप्ट क्लियर, अब कुछ नहीं करना है, एफ सी ए और एफ सी बी फाइंड आउट करना है, बस वही रिजल्ट आएगा। थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताए थे हम, क्या हो जाएंगे बच्चों, एफ सी ए बराबर वही, अगर आपको हाँ देखो, एफ सी ए निकालना है तो पॉइंट ए और पॉइंट सी के, पॉइंट ए और पॉइंट सी पर चार्ज देखिए, यहाँ पर दिया माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस प्लस पर नहीं ध्यान दें, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे हम। तो क्या हो जाएंगे इसका, के इंटू क्यू स्क्वायर, दोनों का बीच का डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर। उसी पर फाइंड करेंगे एफ सी बी, एफ सी बी तो पॉइंट सी और पॉइंट बी पर चार्ज देखिए, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, तो क्या हो जाएगा, क्यू वन इंटू क्यू टू, तो क्यू वन बराबर प्लस क्यू, क्यू टू बराबर प्लस क्यू। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अपन क्या हो जाएंगे, आर स्क्वायर, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, एफ सी ए इक्वल टू एफ सी बी इक्वल टू क्या मान लें आप, थोड़ी देर पहले भी आपको हम बताए थे। अब मुझे नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, तो नेट फोर्स देखो आप इस बार 120 डिग्री पर है, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, नेट फोर्स बराबर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, क्योंकि एफ सी ए इक्वल टू एफ और एफ सी बी इक्वल टू एफ, तो क्या हो जाएंगे आप, नेट फोर्स बराबर तो इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर प्लस टू इंटू एफ सी ए इंटू एफ सी बी इंटू क्या, कॉस थीटा लिखते हैं, तो एफ सी ए और एफ सी बी की जगह पर तो हम एफ ए से डिनोट यहाँ पर कर दिए गए हैं, क्योंकि क्या था, ये दोनों आपस में इक्वल था, तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर टू लिखते हैं एफ इंटू एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। चलो अब क्या करेंगे यहाँ पर, एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एफ एफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ स्क्वायर हो जाएगा,
और कॉस 120 डिग्री का वैल्यू होता है 1-2, ये सी यहाँ पर कट जाएगा। बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा देख लो, एफ स्क्वायर एगो एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 एफ स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस एफ स्क्वायर। तो देख लो बच्चों 2 एफ स्क्वायर में से एफ स्क्वायर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर, रूट कैंसिल क्या हो जाएगा एफ। तो नेट फोर्स बराबर यहाँ पर क्या गया बच्चों देख लो, यहाँ पर नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ, आई एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर है वही के इंटू क्यू स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। समझ में आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। चलिए अब हम क्वाड्रिलेटरल पर बताते हैं आप लोगों को, हम इसको रफ कर देते हैं, हिंट देंगे आप लोग खुद से बनाइएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा इसका आंसर।